जो मैं इंडिकेटर प्रोवाइड करता हूँ या फिर जो मैं लाइव सेशन में इंडिकेटर लेता हूँ, वो इंडिकेटर कैसे इंस्टॉल किया जाए या फिर वो इंडिकेटर को कैसे यूज़ किया जाता है, ये वीडियो के लिए काफ़ी टाइम से रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर ये वीडियो बना दिया जाए प्लीज़। तो मैं नॉर्मल बेसिक लैंग्वेज में आपको बताने वाला हूँ जीरो लेवल से कि वो इंडिकेटर कैसे यूज़ करना है, किस तरह से इंस्टॉल करना है आपको, ठीक है, या फिर किस तरह से आपको यूज़ करना है वो इंडिकेटर। वीडियो थोड़ी लंबी होगी मे बी, तो आप लोग ज़रूर देखें, और जो बंदे इंटरेस्टेड है अभी भी इंडिकेटर मेरे पास अवेलेबल है। ये इंडिकेटर की ओरिजिनल प्राइस आपको मार्केट में मिलेगी $100 की, लेकिन ये इंडिकेटर मैं सिर्फ 999 में प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो कि मेरे मेंबर्स के लिए जो मेरे ग्रुप में हैं उन लोग के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इंडिकेटर को, पहले आप कोई भी MT4 प्लेटफॉर्म इंस्टॉल कर लें, ठीक है। आप MT4 प्लेटफॉर्म में जाकर सर्च करें, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी, या फिर कोई भी MT4 प्लेटफॉर्म डाउनलोड करें तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, ठीक है, जो भी आपको सही लगे PC के लिए, ठीक है। आप कोई भी देख लें, आपको कोई भी सब सही होगी, आपके कोई प्लेटफॉर्म आप यूज़ कर लें, तो यहाँ पर आप देख सकते हो FXTM, जो कि आपने इसकी काफ़ी सारे एड्स भी देखे होंगे MT4 MT5, लेकिन आपको MT4 प्लेटफॉर्म डाउनलोड करना है, ठीक है। तो आप जाके यहाँ पे फॉरेक्स का कोई भी MT4 प्लेटफॉर्म देखिए, यहाँ पे MT4 प्लेटफॉर्म फॉर PC एंड विंडो आपको लिख रही है, ठीक है। तो यहाँ से आप जाके डाउनलोड कर ले PC के लिए, और ये आप अपने सिस्टम में इंस्टॉल करके अपना ID से डेमो अकाउंट बना लें, ठीक है। अपना ID से ये ऑटोमेटिकली आपको ID प्रोवाइड भी कर देती है कोई कोई ब्रोकर्स, और कोई कोई आपको जाके आपकी डिटेल्स डाल के आपको डेमो अकाउंट बनानी पड़ती है, ठीक है। तो आप यहाँ पे अपना डेमो अकाउंट बना लें, तो फिर मैं डायरेक्टली आपको मेरे इंडिकेटर MT4 प्लेटफॉर्म के मैं होम पेज पे जा रहा हूँ, ठीक है। आपको ये डायरेक्टली, जैसे आप अगर कोई न्यूज़, वेट ए मिनट, आपको मैं बेसिक से बता रहा हूँ कि MT4 प्लेटफॉर्म होने इंस्टॉल करने के बाद आपको कैसे दिखती है, कैसी है आपको, ठीक है। आपको प्रॉपर स्टेप से दिखेगी, ठीक है। MT4 प्लेटफॉर्म इंस्टॉल होने के बाद आपकी ID यहाँ से बन जाएगी, आपकी ID, ठीक है। लॉगिन टू, अगर नॉर्मली नहीं बन पा रही तो लॉगिन टू ट्रेड अकाउंट करके या ओपन एन अकाउंट करके आप इसमें लॉगिन अकाउंट बना सकते हो, जो कि जनरली सभी लोग जो इतने दिन से ट्रेडिंग में हैं वो लोग, तो लोग के लिए तो काफ़ी इजी होगी। तो नॉर्मल से मैं आपको एसेट्स बता रहा हूँ, जैसे मैंने GBP USD का एसेट्स ओपन कर लिया है, ठीक है। आपको मेनली स्टार्टिंग में आपको इस तरह से चार्ट दिखेगी, ठीक है। यहाँ पे आप जाकर जो मैंने आपको इंडिकेटर फाइल में या फिर कहीं भी आपको मैंने प्रोवाइड किया, जिन्हें भी ये अपने PC में डाउनलोड करके जी फाइल में होगी आपकी, ठीक है। इसे आप ओपन कर लें, ठीक है। ओपन करने के बाद आपको चार्ट जो इस तरह से प्रॉपर दिख रही है इस टाइप से, इसे आप जाके ओपन कर लें, यहाँ से फाइल में जाएं और ओपन डाटा फोल्डर ओपन कर लें, ठीक है। ओपन डाटा फोल्डर ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर दिख रही होगी टेम्पलेट, ठीक है। टेम्पलेट्स में आप जाकर आपको यहाँ पर आपको टेम्पलेट्स को जाके इसमें आपको यहाँ पे कॉपी कर लेनी है, ठीक है। यहाँ पे आपके देखिए मेरी ऑलरेडी है, तो इसमें, ठीक है, यहाँ पे आपको टेम्पलेट ऑलरेडी कॉपी कर लेनी है। फिर आपको बैक जाकर, ठीक है, यहाँ पे आपके टेम्पलेट कॉपी हो गई है। फिर आपको प्रोफाइल में जाकर, एक सेकेंड, MQL4 जाकर आपको इंडिकेटर्स में जानी है, ठीक है। इंडिकेटर्स में जाके आपको यहाँ पे देखिए जितने भी इंडिकेटर्स होंगे ना, ठीक है, यहाँ पे आपको सारे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लेनी है, ठीक है। यहाँ पे आप पेस्ट कर लोगे, उसके बाद यहाँ पे आप पेस्ट कर लोगे सारे इंडिकेटर, उसके बाद आपको ये कॉपी, ये कट कर लेने के
कट कर लेनी है। उसके बाद ये आपकी कॉपी हो जाने के बाद आपको शो कर देगी हम कॉपी हो गई। उसके बाद ये कट कर देना है आपको। उसको आप MT4 प्लेटफॉर्म पे जाइए। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, जैसे ही ये चार्ट आपको दिख रही है, 1 आवर की चार्ट दिख रही है, आपको यहाँ पे 5 मिनट का चार्ट कर लेना है। M1 1 मिनट M5 5 मिनट M15 15 मिनट्स, इसका ये मतलब होता है, ठीक है। उसके बाद आपको बस जाके यहाँ पे टेम्पलेट चूज करना है, और यहाँ पे आपको नीचे आपको अगर मेरे तो इतने सारे जिसके कारण आपको नहीं, बट आपको ARB.1 आपको मिल जाएगी। जैसे ही आप अप्लाई करते हो ना, पूरी की पूरी चार्ट आपको इंस्टॉल हो जाएगी इस पर, आप देख सकते हो, ठीक है। पूरी की पूरी चार्ट आपको इंस्टॉल हो गई यहाँ पे, ठीक है। आप देख सकते हो आपकी चार्ट इंस्टॉल, प्रॉपर आपकी चार्ट इंस्टॉल हो गई। अब बात यह है कि आपको ये सिग्नल यूज कैसे करनी है, ठीक है। मैं प्रीवियस में बताता हूँ, ठीक है, आपको ये सिग्नल यूज कैसे करनी है। यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको कुछ फॉलो नहीं करना है। यहाँ पे आप दो रूल फॉलो कर सकते हो, दोनों में परफेक्ट भी होगा। अगर आप ट्रेंड फॉलो करते हो, अगर आप ट्रेंड, पहले मैं जो ट्रेंड सिग्नल लाइव सिग्नल जो मैं फॉलो करता हूँ इंडिकेटर, वो मैं बताता हूँ, ठीक है। वेट, ठीक है, लाइक मैं बताता हूँ जो मैं फॉलो करता हूँ। लाइक दिस, यहाँ पे आपको इस कैंडल पे आपको दिख रही होगी, इस कैंडल पे आपने ये कैंडल चल जैसे चलती होगी ना, वैसे ये आपको ये ग्रीन एरो दिख जाएगी, ठीक है। ग्रीन एरो दिखने के बाद आपको नेक्स्ट कैंडल से 15 मिनट पे आपको अप ट्रेंड पे, ग्रीन है तो अप ट्रेंड पे ट्रेड लेना है, ठीक है। तो आपको 1-2 ATM यहाँ पे हुए, सेम प्रोसेस यहाँ पे, जैसे ग्रीन कैंडल है इस पे आपको रेड एरो बन गई है, सिर्फ रेड और ग्रीन एरो आपको फॉलो करनी है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको रेड एरो बन गई है, तो यहाँ पे आपको 15 मिनट का डाउन ट्रेड लेना है, यहाँ पे आपको विन हो गई। सेम पैटर्न यहाँ पे आपको हर जगह पे आपको यही पैटर्न फॉलो करना है, चाहे कुछ भी हो। आपको जैसे एरो अपीयर हो उसके नेक्स्ट कैंडल पे आपको 15 मिनट में अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड करना है, ठीक है। तो आपको 15 मिनट देख सकते हो, 15 मिनट्स इसकी एक्यूरेसी काफ़ी हाई होती है। तो आपको देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो 1, 2, 3, 15 मिनट्स, अब यहाँ पे आप देख सकते हो 15 मिनट्स डाउन, परफेक्ट बिन हो रही है। इसलिए जिन्हें भी ये ऐसा चीज़ जो इंडिपेंडेंट ट्रेडिंग करना चाहते हैं इंडिकेटर के थ्रू, तो आप ज़रूर कॉन्टैक्ट करें, ताकि आपको ये सिग्नल ज़रूर प्रोवाइड हो। ये थी आपकी पहली स्ट्रेटजी इंडिकेटर की। ये एक ऐसा इंडिकेटर मैं आपको बता रहा हूँ ना, जो एक इंडिकेटर में आपको दो बेनिफिट्स हो गए, ठीक है। पहला तो ये था, और मैं दूसरा आपको, तो फर्स्ट जो मैंने इंडिकेटर का यूज बताया वो था प्राइस एक्शन पे, ओके। और ये जो मैं दूसरा बताने वाला हूँ, ये है आपको मिलेगी प्रॉपर ट्रेंड फॉलो करके, आपको इसमें परफेक्ट मीन मिलेगी। दोनों तरह से आप यूज कर सकते हो, आप डिपेंड देख सकते हो मार्केट नॉर्मल चल रही, तो प्राइस एक्शन फॉलो करो, मार्केट अगर आपको ट्रेंड फॉलो कर रही है, तो ट्रेंड फॉलो करके प्रॉफिट बुक करना काम है यार हम लोग का, तो उतना टेंशन मत करो। मैं हूँ तो आप लोग को एक पैसा का भी टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। प्रॉफिट आपको इजीली बुक करके मैं दूंगा डेली का डेली, ओके। तो पहले तो मैंने प्राइस एक्शन के बारे में आपको एक्सप्लेन कर दिया, ग्रीन लाइन पे आपको ये ट्रेड लेना है, रेड लाइन कलर पे ट्रेड लेना है, ठीक है। फिर सेम इशू आ गई यहाँ पे प्राइस एक्शन पे, और मैं आपको तीसरा चीज बताने वाला इससे, जिससे आप श्योर शॉट की तरह भी ट्रेड 99.9% श्योर होकर ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपको तो इस पॉइंट पे आप देखो, जैसे ही इस पॉइंट पे इसने ग्रीन कैंडल बनाई, ठीक है, रेड कैंडल बना के ये वापस रिवर्स आ गई डाउन ट्रेंड में। जैसे ही रिवर्स डाउन ट्रेंड में आ गई, तो यहाँ पे आप 15 मिनट का 20 मिनट का 5, 10, 15, 20 मिनट का डाउन ट्रेंड प्लेस करके आपकी परफेक्ट बिन हो गई, प्लस पॉइंट, ठीक है। यहाँ भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे रेड कैंडल बना, 15-20 मिनट डाउन, परफेक्ट विन, ओके। प्रीवियस में मैं आपको क्लियरली मेंशन करता हूँ, कहीं पे भी जाके बता सकता हूँ। यहाँ पे आप देखो रेड कैंडल बनी, 5, 10, 15, 20 मिनट डाउन, यहाँ पे भी आपको देख सकते हो, यहाँ पे डाउन आई कैंडल, 5, 10, 15, 20 डाउन,
यहाँ पे भी आपको डाउन आई 5, 10, 15, कहीं पे भी आप ट्रेंड फॉलो करोगे, मार्केट डाउन ट्रेंड चल रही है, डाउन में अप ट्रेंड चल रही है, जब वो कैंडल टच करके नीचे आए ना, तो यहाँ पे आप परफेक्टली ट्रेड प्लेस कर सकते हो। अब मैं कहीं पे भी आपको ये चीज़ दिखा सकता हूँ, लाइक यहाँ पे देखें, यहाँ पे मार्केट ब्रेक डाउन हुआ, ठीक है, फिर इसने ग्रीन कैंडल बनाई, अगर ये ग्रीन कैंडल बना के मार्केट अप जाती तो आपको अप ट्रेंड में लेना था, नेक्स्ट कैंडल पे लिए, लेकिन ये कैंडल ये सारे मूविंग एवरेज के नीचे रह गई, तो आपको 50 मिनट के लिए 20 मिनट के लिए डाउन गई मार्केट, परफेक्ट पिन गई आपकी। यहाँ पे आप देखो, इसने मार्केट ने ब्रेकआउट लेना चाहा, नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बन गई, आप यहाँ पे 15 या 20 मिनट का 5, 10, 15, 20 मिनट का आपने ट्रेड लिया, यहाँ परफेक्ट पिन हुई आपकी। यहाँ पे भी आपने देखा, यहाँ पे आपकी ग्रीन कैंडल बनी, रेड आई, ग्रीन बनी, रेड आई, ग्रीन बनी, ग्रीन बनी, यहाँ पे 5, 10, 15, 20 मिनट का अप, ओके, ये थी आप डायरेक्शन में, और मैं आपको डाउन में ले चलता हूँ, ठीक है, यहाँ आ गई आपकी डाउन ट्रेंड। इसने यहाँ पे ग्रीन बनाई, ठीक है, नेक्स्ट कैंडल रेड बनी, यहाँ पे 20 मिनट का डाउन, परफेक्ट पिन। यहाँ पे भी आपने देखा, रेड बना, नेक्स्ट कैंडल पे डाउन, यहाँ पे भी आपका रेड बना 15 मिनट 20 मिनट डाउन। बस इसी तरह से आपको ट्रेंड फॉलो करके प्रॉफिट करना है, और कुछ नहीं आपको करना है बस। और प्लस पॉइंट आपको मैं ये चीज़ बताने वाला हूँ इस इंडिकेटर के, ये मेरे वन ऑफ द बेस्ट इंडिकेटर है। मैं ये इंडिकेटर लास्ट 1 या 2 ईयर से मैं प्रॉपर यूज तो नहीं किया, बट यूज करता था बीच बीच में इसलिए, और आप ब्लाइंडली ट्रस्ट इसलिए कर सकते हो इस इंडिकेटर पे, क्योंकि ये इंडिकेटर तो मैं लाइव सिग्नल करता हूँ, अगर फॉली सिग्नल ये इंडिकेटर प्रोवाइड करता तो मैं शायद ये इंडिकेटर आपको नहीं देता, क्योंकि लाइव सेशन में लोग गलत नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लाइक यहाँ पे आप देख सकते हो 50 मिनट डाउन कैंडल पे प्रॉफिट बुक कर चुके हैं, यहाँ पे इसने यहाँ बनाया 51, 2, 3 कैंडल ऑलरेडी बना चुकी है, और यहाँ पे प्रॉफिट हो चुकी थी यहाँ पे इसकी, ओके। इस पॉइंट में बताता हूँ, प्लस पॉइंट श्योर शॉट 99.9% श्योर हो ट्रेड लेने का, मैं आपको ये ट्रिक दे रहा हूँ, ओके। ये देखो आप, इसने रेड कैंडल बनाई, ठीक है, प्लस इसने रेड एरो भी दिया है, तो मतलब मार्केट प्राइस एक्शन के अनुसार ये मार्केट नीचे भी आएगी, और मूविंग एवरेज को भी लेके ये डाउन ट्रेंड पे ये मार्केट डाउन आएगी। आराम से आप 5, 50 मिनट 20 मिनट का 2 ट्रेड प्लेस कर सकते हैं यहाँ पे, 5, 10, 50 मिनट का प्राइस एक्शन के थ्रू आपकी विन हुई, प्लस 20 मिनट के आपके ट्रेंड फॉलो करके भी 20 मिनट की आपकी विन हुई। तो इस तरह से आप ट्रेड लो, आप समझ रहे हो किस तरह से आपको ट्रेड लेना, आपको समझ में आ गया होगा कैसे प्राइस एक्शन फॉलो करना है, कैसे मूविंग एवरेज फॉलो करना है, कैसे इंडिकेटर इंस्टॉल करना है, और कैसे MT4 प्लेटफॉर्म इंस्टॉल करना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और जिन्हें जिन्हें ये इंडिकेटर चाहिए DM ऑन टेलीग्राम मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, ये मेरा काम है, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, आई होप आप लोग को सारे को अच्छे से समझ में आ गया कि कैसे क्या यूज करना है, कैसे इंस्टॉल करना है। थैंक यू सो मच, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दें, थैंक यू।